इसके अपने मानवीय जो व्यवस्था है उस पर इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल ये सरकार की चीज नहीं है, सरकार और समाज दोनों का है। महाभारत का एक प्रसंग है, जब युद्ध के समाप्ति के बाद गांधारी के पास श्री कृष्ण गए थे तो समाचार पूछा, तो गांधारी ने उनको कहा था, केशव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोकम महाकष्टम कष्टा अति कष्टम क्षुधा। उसमें से जो तीन चीज है, एक वृद्धावस्था हो, ऊपर से गरीबी हो, और तीसरे में उन क्षुधा से पीड़ित हो, भूख के कारण पीड़ित हो, ये तीन कारणों से वो वृद्धावस्था में कष्ट पाते हो। एक वृद्धावस्था में लोग हैं लेकिन समृद्ध और संपन्न रहते हुए भी वो कष्ट भोगते हैं। वो इसलिए कष्ट भोगते हैं कि उनके समुचित देखभाल करने के लिए उनके परिवार की ओर से व्यवस्था नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली हैं, ईश्वर की उन पर कृपा है कि उनके बच्चे वृद्धावस्था में उनके देखरेख के लिए किसी को, एक रक्षक को या एक किसी सेवा करने वाले को रख देते हैं जो उन पर ध्यान देते हैं। आदमी की अवस्था जो जो बढ़ती जाती है, वो वृद्धावस्था आने लगती है, तो सबसे पहले उनके स्मरण शक्ति का ह्रास होने लगता है। यह सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्मरण शक्ति कम होने लगती है। और आज तक दुनिया में विज्ञान इतनी तरक्की किया, विज्ञान इतना खोज किया, लेकिन विज्ञान इस बीमारी के रोकथाम के लिए कोई दवा का खोज क्यों नहीं कर पाया? ये विज्ञान की असफलता है। आज के इस तकनीकी युग में भी बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग हैं, हमारे कई राजनीतिक नेता हैं जो स्मरण शक्ति के अभाव में पीड़ित हैं और उसको कई वर्षों से उस पीड़ा को झेल रहे हैं। लेकिन जो इस पीड़ा को झेलते हैं उनको भी एहसास नहीं होता कि उन्हें इसके कारण कितनी पीड़ा होती है, क्योंकि उनके पास में स्मरण शक्ति ही नहीं है और मस्तिष्क इतना कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है कि कुछ सोच नहीं पाते हैं। मेहताब जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को सदन में रखा और इसके जरिए संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व के लोगों को का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। सरकार के तौर पर भी काम करे, इतने जो स्वयंसेवी संस्था हैं, हजारों हजार करोड़ रुपया विदेश से लेते हैं और दुनिया भर के कामों में, इधर उधर के कामों में खर्च करते हैं। कुछ ये स्वयंसेवी संस्था जो एनजीओ हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि उन्हें आगे बढ़ के इसको अपने हाथ में लेना चाहिए और ऐसे केंद्रों का निर्माण करना चाहिए जो विधेयक में इन्होंने सुझाया है, और वहाँ ऐसे जो वृद्ध लोग हैं उनको रखा जाए, उनकी सेवा की जाए, उन पर ध्यान दिया जाए। जो आदमी गरीब है उसके अगर माँ बाप इस रोग से पीड़ित हो गए, भुलक्कर हो गए, अब वो अपने खेत में काम करने के लिए बाल बच्चा समेत जाएगा कि अपनी माँ बाप की देखभाल करेगा? और अगर माँ बाप की देखभाल करने के लिए घर में बैठा रहे तो परिवार का फिर उदर पालन कैसे करेगा? तो ऐसे जो गरीबी में है, निर्धनता में है लोग, ऐसे लोगों के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक ही उन्होंने कहा कि सरकार के तौर पर हो कि जिला में कोई केंद्र बनाया जाए, ऐसे जिनको कहते हैं कि सेवा आश्रम के जैसे बनाया जाए, और ऐसे जो वृद्ध लोग हो उनको लाके वहां रखा जाए, वहां उनके सेवा करने के लिए नर्स हो या डॉक्टर हो या कोई सेवा करने वाले हो जो उनके खान पान को देखे, कपड़ा समय पर पहनावे, उनको नहला दे, धुला दे, उनके देखे सुने, उनकी सेवा शुश्रूषा करे, इसके लिए भी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है। सभापति महोदय, जो जो हिंदुस्तान में संयुक्त परिवार हमारा जो था, वो संयुक्त परिवार जो जो टूटते गया, तो व्यक्ति अकेला होता गया। आज परिवार नहीं है
आज व्यक्ति है, अकेला है। मैं जब बचपन में था, गांव में पला बढ़ा, हमारे तीन दादा थे और मेरे पांच सात चाचा थे, दो मेरे पिताजी और मैं उनके एक भाई थे, कुल नौ लोग थे। लेकिन मैं देखता था कि सब के सब एक बड़ा आंगन था, उसी में रहते थे, वही खाते थे, वही सब बच्चे खेलते थे और सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। लेकिन आज व्यक्ति अकेला है, परिवार है नहीं। नए शहरीकरण के कारण से कुछ पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ा है, देखा तो नहीं है लेकिन सुनते हैं कि यूरोप में बूढ़ा मर जाता है तो पांच दिन के बाद पता लगता है कि इस घर से बदबू आ रही है, कोई मरा पड़ा हुआ है, तो खोल के देखता है तो देखता है एक बूढ़ा मरा पड़ा है, उसकी लाश सड़ जाती है। हिंदुस्तान में भी धीरे धीरे वो मानसिकता फैल रही है, इसलिए आवश्यकता है कि इस बात को हमको एक सांस्कृतिक तौर पर भी इस बात का प्रचार करना चाहिए, लोगों को शिक्षित देना करना चाहिए, संस्कारित करना चाहिए। जो हमारा वो संस्कार जो छूट गया है कि वृद्धों की सेवा करें, निर्बल की सेवा करें, निर्धन की सेवा करें, रोगियों की सेवा करें, जिसको जोड़ा गया था कि इसे धर्म होता है, तो आज मान्यताएं बदल गई हैं, भौतिकवादी युग है। तो वो मान्यता के आधार पर समाज में ऐसा हो तो मुझे लगता है कि विद्यालयों में भी इस तरह की कोई पढ़ाई पढ़ाई जाए जो बचपन से उनके मन उनकी मनोवृत्ति बदले, उनका संस्कार बदले, उनके स्वभाव बदले, उनकी प्रवृत्ति बदले और उनके उन लोगों के प्रति, वृद्ध लोगों के प्रति उनके मन में स्नेह हो, सम्मान हो, सेवा भाव हो, ये जागृत होना है, क्योंकि ये राष्ट्रीय समस्या है। जो जो लोगों की आयु बढ़ी है, मृत्यु दर कम हुआ है, तो एक समस्या है कि बूढ़े की संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे संयोग से श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे मंत्री बनाया था, उनकी सरकार में मैं मंत्री रहा पूरे कार्यकाल। एक दो बार विदेश जाने का मौका लगा, एक जगह दो जगह गया तो मैं देखा बूढ़े और बूढ़ों का, वृद्धों के पुरुष और नारी का झुंड चलता था। तो मेरी पत्नी भी साथ में थी, मेरे पीएस थे, मैंने पूछा कि कैसे देश में हम चले आए, यहाँ तो खाली सब जितने बूढ़े हैं घर द्वार छोड़ करके केवल सड़क पर भटक रहे हैं, आखिर इनका कहीं ठोर ठिकाना है कि नहीं है, कोई रखने वाला नहीं है, घर परिवार होगा कि नहीं होगा। तो कहा नहीं, इनको सरकार की तरफ से पेंशन मिलता है, ये सब मिलके जमात बनाते हैं, गिरोह बन के घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, अपना खाते हैं पीते हैं, न परिवार वाले को इनकी चिंता है, न इनको परिवार से कोई मुंह है। तो यह जो हमारे समाज के अंदर जो वो वहां जा के देखते के लोग आते हैं, छूट गया। अब भाई भाई के बीच में वो हिंदुस्तान का प्रेम नहीं है, इसलिए आवश्यकता है कि इसको कैसे किया जाए। समस्या है, उस समस्या के निदान के लिए महताब जी ने कई उपाय भी बताए हैं, सरकारी स्तर पर उपाय किया जाए, सामाजिक स्तर पर उपाय किया जाए, और जब तक उपाय नहीं किया जाएगा तो ये बढ़ते चला जाएगा, लोग कष्ट झेलते रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, सोचना चाहिए, इतने इतने विद्वान हैं सरकार के, इतने प्रशासनिक अफसर हैं जो अपनी योग्यता से, क्षमता से, विद्वता से, प्रतिभा से, प्रतिस्पर्धा से इतने ऊंचे ऊंचे जगह पर आते हैं, ताकि उनको इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठा के इतने देते हैं, तो हिंदुस्तान में इतने डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों को भी कहना चाहिए कि भाई शोध करके कुछ तो कुछ निकालो। आयुर्वेद के बड़े बड़े जो वैद्य हैं, जानकार जो गाँव में कहीं है, उनके पास में भी इसके कुछ इलाज हैं। मैं तो ज्यादा नहीं जानता, लेकिन थोड़ी बहुत आयुर्वेद की किताब को कभी कभी पढ़ लिया, खास करके रामदेव महाराज जी की जड़ी बूटी की एक पुस्तक है, इतनी मोटी, मैंने उसका अध्ययन किया, कई जड़ी बूटियों में ये गुण पाए। उसमें सबसे एक आयुर्वेद के ग्रंथ में सबसे मूल जड़ी है, बूटी है, वो है ब्राह्मी बटी।
जिसका इस्तेमाल करते हैं लोग वृद्धावस्था के समय में, उनकी स्मरण शक्ति कम न हो बढ़े। तो इसी तरह आयुर्वेद में भी बड़े बड़े वैद्य और विद्वान हैं, उनसे ये खोज किया जाए, निकाला जाए, एलोपैथ वाले भी निकाले। मेरा आग्रह ही होगा कि दुनिया के जितने भी विद्वान हैं या इस क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सा शास्त्र के वैज्ञानिक हैं, उनसे मेरा यह अनुरोध होगा कि भाई जब एक चुनौती है तो उस चुनौती का, समस्या का निदान खोजना ही विज्ञान का कर्तव्य और धर्म होता है। तो दुनिया भर के सोचने वाले जो चिकित्सा विज्ञान के वैज्ञानिक हैं, इस पर कोई सेमिनार करो, कोई सम्मेलन करो, ना हो तो भारत में ही उसको संगठित किया जाए, ऐसे गोष्ठी का आयोजन किया जाए, उनको यहाँ आमंत्रित किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाए और इसके बुनियादी निदान के लिए। मेरे मन में, मैं साधारण आदमी किसान हूँ और मैं भी अब वृद्धावस्था की ओर जा रहा हूँ और बीमारियों के बारे में सुनता हूँ तो रोज ध्यान करता हूँ, पूजा करता हूँ, तो परमात्मा से कहता हूँ कि यार कुछ करना सो करना, ये ऐसी बीमारी कभी न देना जो बुढ़ापे में कोई देखने वाला न हो और हमारी हालत दुर्गति हो जाए। तो दुनिया के सामने जब इस चुनौती है तो इस चुनौती का मुकाबला करना चाहिए और कहीं ना कहीं किसी को आगे बढ़ना चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भारत आगे बढ़े, नेतृत्व करे, दुनिया भर के ऐसे शोध करने वाले, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की गोष्ठी आयोजित करे, उनसे आग्रह करे कि इसके ऐसे निदान निकालो। इतने इतने चीज के वैक्सीन निकल गए, काला जर का निकाल दिया हमने, चेचक का निकाल दिया हमने, पोलियो का निकाल दिया हमने, पोलियो मुक्त भारत, काला जर मुक्त भारत, चेचक मुक्त भारत, ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन क्या इस बीमारी के लिए भी खोज करके कोई ऐसा वैक्सीन नहीं निकाल सकते कि वृद्धावस्था में लोगों को ये वैक्सीन दे दिया जाए जो उनको ये रोग न होने पावे, इस रोग से मुक्ति मिले। विज्ञान चाहे तो खोज सकता है, लेकिन इस पर ध्यान देने की बात है। आखिर लोगों ने इस पर ध्यान दिया ही नहीं है, वो सोचते हैं कि ये तो कहीं कहीं है, जिस घर में है उस घर में अपने पड़े हैं, ये उनकी निजी समस्या है, निपटना चाहिए। लेकिन ये निजी समस्या नहीं है, ये राष्ट्र की समस्या है, ये परिवार की समस्या है, ये समाज की समस्या है। जब तक समाज में प्रतिबद्धता नहीं आएगी, जब तक सरकार में प्रतिबद्धता नहीं आएगी, तब तक इन ऐसे समस्याओं का निदान हम ढूंढ नहीं सकते हैं। इतने पैसे खर्च होते हैं योजना पर। आखिर जो महताब जी कह रहे थे कि केंद्र बनाना हो, कोई इनके इलाज की सोचना हो, सेवा शुश्रूषा केंद्र हो, इसके बनाने में अगर कुछ खर्च होगा तो आखिर इतने जो बड़े बड़े पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं या उद्योगपति हैं, उनको भी सोशल सेक्टर में काम करने का, सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए नियम है कि अपने में से दो आय का 2% कि 5% है वो सामाजिक क्षेत्र में लगा सकते हैं, सोशल सेक्टर में लगा सकते हैं। तो उसमें एक इसको भी जोर दिया जाना चाहिए कि सोशल सेक्टर में काम करने में प्राथमिकता इसको दिया जाए कि जो वृद्ध लोग हैं, ऐसे वृद्ध लोग जो असहाय हैं, ऐसे वृद्ध लोग जो असमर्थ हैं, ऐसे वृद्ध जो अपंग हैं, ऐसे हैं जो निर्धन हैं, गरीब हैं, गरीबी में निर्धनता के कारण उनकी कोई देखने वाला नहीं है, न दवा करने वाले न सेवा करने वाले हैं, उनको उठा करके ये सोशल सिक्योरिटी फंड से ऐसे केंद्र बनाए जाए, उसमें उनको लाके रखा जाए, देखभाल किया जाए, दवा की जाए, भोजन वस्त्र की व्यवस्था की जाए। इस दृष्टि से इसको ममता का करुणा की दृष्टि से समाज को देखना पड़ेगा और सरकार को भी। केवल इसको इस दृष्टि से नहीं, बूढ़ा है और कोई आदमी ये कहे कि बूढ़ा हो गया मर जाएगा तो क्या होगा, ये भी कहने वाले लोग ऐसे लोगों की कमी नहीं है। और जब कभी मैं बचपन से गांव में पला और गांव में बचपन से देखा हूं जो ये बूढ़े लोग होते हैं, एक अवस्था के बाद जब उनकी तरफ देखता हूं, उनकी तकलीफ और वेदना को देखता हूं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं,
और ऊपर से अगर इन जैसे भयंकर रोग से पीड़ित हो जाते हैं तो उनकी दुर्दशा और होती है। इसलिए सोच करके महाभारत में माता गांधारी ने कृष्ण को कहा था कि केशव जरा कष्टम, कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोकम महाकष्टम, कष्टा अति कष्टम क्षुधा। सबसे ज्यादा कष्टदायक भूख है और उसके साथ निर्धनता भी है और वृद्धावस्था भी जुड़ जाए तो समझिए उसका जीवन नरक में हो जाता है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और इसलिए समर्थन करता हूँ कि जितने लोग हैं यहाँ बैठे देश के, वो सबको एक न एक दिन उस अवस्था में तो पहुँचना ही है। जब मेरे सामने कुछ जवान आते हैं और बातचीत करने लगते तो मैं कहता हूँ कि तुम क्या बात करते हो, तुम्हारी दुनिया को तो मैं 40 साल तक देखा हूँ लेकिन मेरी दुनिया देखने के लिए अभी तुमको समय लगेगा। तुम्हारी दुनिया को मैं देख के आया हूँ, मेरी दुनिया तुम नहीं देख पाए हो, जब मेरी दुनिया में प्रवेश करोगे तब जाके बात करना, इसलिए तुम अभी नहीं समझोगे। इसीलिए इनसे मेरी प्रार्थना है, सब लोग सबसे, सदन से भी, सरकार से भी, और दुनिया भर के विद्वान और जितने वैज्ञानिक हैं और चिकित्सा शास्त्र के महापंडित हैं, उन सब से मैं प्रार्थना करता हूं कि यह विश्व की चुनौती है। कौन, कभी तो बूढ़े होंगे, सब दिन जवानी रहेंगे, और आपको अगर इस 76 साल के अवस्था में भी मैं आपको जवान दिख रहा हूं तो यही समझिए कि मैं पुराना भारत का नमूना हूं, कि पुराने भारत की, पुराने भारत के, हाँ हाँ नहीं याद है, हाँ यजाति ठीक है आपने कहा, हाँ तो ठीक बात है। यजाति तो अंत में अपने पुत्र से जवानी उधार मांगा था, ये भी उसमें वेदना की बात है महताब जी, कि एक ऐसी स्थिति आई थी कि यजाति को अपने पुत्रों से जवानी उधार मांगने की याचना करनी पड़ी थी और 4 पुत्रों में से 3 पुत्रों ने इनकार कर दिया था और 1 पुत्र इसके लिए तैयार हुआ था जिसने अपनी जवानी दान की थी, उसको उत्तराधिकारी बनाया गया था, सत्ता का उत्तराधिकारी, कि उसने जवानी दी थी, बाकी 3 पुत्रों ने इनकार कर दिया। प्रसंग कुछ अलग है, प्लीज कंक्लूड, प्रसंग कुछ अलग है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना ये करूंगा सबसे, और अपनी बात को समाप्त करूंगा, मैं इसलिए इस विधेयक का समर्थन करने के लिए आया हूं, जानबूझ करके रुका रहा कि इस विधेयक को मैं समर्थन करूंगा, क्योंकि हर आदमी को कहूंगा एक न एक दिन सबके जिंदगी में ये बुढ़ापा आने वाली है, सबको इस बुढ़ापा के अंदर से गुजरना है, उसमें रहना है, इसलिए सब मिलकर के इसके निदान खोजने में लगे और सरकार, स्वास्थ्य मंत्री जी इस पर प्राथमिकता दें और भारत को इसमें अगुवाई करनी चाहिए और विश्व को आमंत्रित करके एक सेमिनार आयोजित करें और कहे कि इसका स्थायी निदान निकालिए और इसकी व्यवस्था कैसे करें जो भारत के वृद्ध लोग कष्ट में न हो, सुख से मरें, खुशहाल होके मरें और कम से कम इस देश में जन्मा है बढ़ा है, इस देश के लिए खून पसीना बहा है, तो मरने समय कम से कम हंसते हुए भारत माता के गोद में अपने प्राण को अर्पित कर सके, ऐसी व्यवस्था हो, इसके लिए मैं इनके विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी।